तो काफी लोग कह रहे हैं कि आप ना चंद्रिका मैम से भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, ऐसा सही बात थैंक है? यू थैंक यू, लग रहा होगा सबको। हाँ जी मैम, तो आपका वड़ा पाव कैसे स्पेशल है और लोगों से? सेम क्वेश्चन रहता है लोगों का? हाँ, सेम क्वेश्चन रहता है, हमारा वड़ा पाव मतलब औरों से थोड़ा बड़ा है। ओके, बड़ा देखो आप, ये बड़ा है। हाँ जी। और हमारी स्पेशल चटनी जो ड्राई फ्रूट से बनती है, और हमारे चीज वड़ा पाव में भी हम लोग बटर लगा के देते हैं। आप चंद्रिका मैम को कंपटीशन देने आओ या लोगों को स्वाद, क्या आपका मोटिव है? नहीं, मेरे को उनसे कोई कंपटीशन नहीं करना है, मैं सिर्फ यहाँ पे लोगों को अपना मतलब हमारा टेस्ट पसंद आए लोगों को कि हम भी अच्छा बनाते हैं, पर लोगों को पसंद भी आ रहा है, रिपीट कस्टमर हमारे बहुत ज्यादा है। अच्छा जी। और आपके हस्बैंड भी आपके साथ में साथ देते हैं? पूरा 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 साथ देते हैं। बहुत बढ़िया, तो आप दोनों मिलकर यहाँ पे पूरा लगे पड़े हैं। हाँ अमेजिंग। आपका क्या प्राइस है वड़ा पाव का? 40-50। 40 वाला 50 है। ओके, चीज वाला 50। हाँ क्या बात है, बटर वाला 40। तो मैम एक बढ़िया से लगा के बताइए कैसे लगाते हैं? आज ऐसा बड़ा पाव बनाऊंगी कि बवंडर आ जाएगा। मैम आप भी सेम लादी पाव यूज करते हैं? हाँ। तो ऐसा लगता होगा आपको कि थोड़ा वहाँ पे ज्यादा क्राउड है, आप पे थोड़ा क्राउड कम है, लोग कम है, तो ऐसा कुछ लगता हमारे है? पास हमारे कस्टमर बहुत है। अच्छा। हाँ, कि इतने है कि हमारा घर अच्छे से चल जाता है। क्या बात है जी। तो देखिए अभी यहाँ पे जो है बढ़िया बढ़िया पाव, बड़ा पाव लग रहे हैं, स्पेशल मुंबई वाले आइटम भाई दिल्ली में मिल रहे हैं। ये आपकी ग्रीन चटनी। ओके। और हमारी ग्रीन चटनी ना पानी वाली नहीं है। ओके। ये देखो ठीक है एकदम एकदम बिल्कुल। हाँ। क्या बात है। और ये हमारी निंजा चटनी है। ये निंजा चटनी है? हाँ। ऐसा क्यों, निंजा क्यों है? इसका नाम निंजा ना, मैंने बनाते हुए कार्टून देख रही थी मेरे बच्चों के साथ। अच्छा। सब बोलते इसका नाम क्या है, नाम क्या? मैं कहा अच्छा नाम इसका निंजा ही रख देती हूँ। सही है सही है, ये भी बढ़िया है। गन पाउडर। ओके। तो आपका जो है प्राइस भी उनसे कम है। हाँ। आप ब्यूटीफुल भी उनसे ज्यादा है, थैंक सारी यू। चीज प्लस ही आपकी, बहुत हाँ। बढ़िया। टेस्ट तो और भी ज्यादा टेस्ट और अमेजिंग है। अमेजिंग, बहुत बढ़िया। और ये देखिए भाई लगते जा रहे हैं यहाँ पे फुल स्पीड में, हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे पास आओ, वो आते हैं, उनको पता है कि हमारा जो दे रहे हम टेस्ट और क्वालिटी दे रहे, बोलने की जरूरत नहीं, वो दिख जाता है। तो आप देख सकते हैं भाई साहब ब्यूटीफुल सा कपल है, हार्ड वर्किंग कपल है, यहाँ पे बहुत अच्छा बना रहे हैं, और साथ साथ में फुल स्पीड में देखिए सारे लगते जा रहे हैं। वहाँ पे भैया जो है हेल्प करा रहे हैं साथ में, आप देख सकते हैं बढ़िया बढ़िया जो है हाफ डन करके लाते हैं वड़ों को, यहाँ पे फुल डन करते हैं। सही कह रहे हो मैम। हाँ जी। तो आप फ्रेश क्यों नहीं बनाते? रीजन सर, आप आसपास देख सकते हो। ओके। हाँ, इस वजह से नहीं बनाते हैं यहाँ, थोड़ा ना मतलब साफ सफाई का हम ज्यादा ध्यान रखते हैं, दिख रहा होगा अभी आसपास थोड़ा साफ नहीं है। ओके। इस वजह से। मैम आपका तो ब्लॉगर की वजह से काम खराब नहीं हुआ? उनकी वजह से हमारा काम चला है। चला है? हाँ। क्या बात है, बोलते ना सबका योगदान है। बिल्कुल, आप लोगों का भी, हमारा भी, पब्लिक का भी, और पब्लिक को तो स्पेशली धन्यवाद बोलेंगे जो हमारे पास अपना टाइम निकाल के आ रहे। तो हिमाचल से होके आप दिल्ली के अंदर वड़ा पाव बेच रहे, मुंबई का स्वाद कैसे? हाँ। वड़ा पाव के लिए कैसे प्यार आया? वीडियो देखकर, वीडियो में देखा था ना सबको। हाँ। वड़ा पाव वड़ा पाव, हम भी सोचे चलो हम भी कर लेते हैं वड़ा पाव। आपका एक है सर? हाँ, अब इसके बाद सर। और आप बहुत ही ज्यादा आदर से खिला रहे हैं, मैंने अभी देखा, नोटिस करा जी, एक रिस्पेक्ट है यहाँ पे, बहुत बढ़िया सर। जहाँ रिस्पेक्ट मिलेगी ना, हम भी कहीं जाते हैं अगर कोई बदतमीजी करे तो हम दोबारा मुड़ के नहीं जाएंगे ना वहाँ पे। सही बात है। नहीं। मैम आप चाहते थे आप भी प्राइस बढ़ा सकते थे, बट आपने कम रखा है कि सारे लोग खाए, इस वजह क्या वजह है? देखो सर, सबसे मेन वजह क्या रहती है, चलो जो तो वर्किंग में है वो तो खा सकते हैं। हाँ जी मैम, 40 रुपए उनके लिए कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। अब स्कूल के बच्चे होते हैं है ना, पेरेंट्स इतना पैसा नहीं दे पाते कई बार, अब उनको भी भूख लगी होती है ना, तो उनके लिए भी तो कुछ सोचना पड़ेगा। सही बात है। हाँ, इसलिए थोड़ा प्राइस हमने कम रखा है। जितनी मर्जी पैकिंग करवा ले। हाँ हाँ। आप हिमाचल से, मनाली से आए हो? अच्छा, आप तो हमारे वहीं से आए हो फिर तो। हिमाचल से आ रहे लोग वड़ा पाव खाने आपके पास? हाँ जी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, अपने गांव के लोग दिख जाते हैं ना, बहुत खुशी होती है, सबका मेला लगा हुआ है। पहले लोग झूलों के मेले में जाते थे, बट अब यहाँ पे वड़ा पाव के मेले में आते हैं। हाँ सही बात है। सही बात है। हाँ भैया, आपको कौन से वाला दूध, चीज या बटर वाला? बटर वाला। बटर वाला। बटर कौन से यूज करते हैं आप? अमूल। मतलब क्वालिटी में कोई नो कॉम्प्रोमाइज? क्वालिटी में नहीं भाई, ये देखिए बढ़िया बढ़िया यहाँ पे फुल स्पीड में बनते रहते हैं, जैसा कि मैंने देखा ना यहाँ पे भाई, क्वालिटी वही है, टेस्ट इनका अपना है, हिमाचल से मैम है, और बहुत अच्छा मतलब प्रेजेंटेशन है, और साथ में जो स्वभाव है ना, मेन जो होता है वो ये चीज़ है ना, लोगों को खींच के लाता है, कस्टमर्स को अपने पास बुलाता है, वो चीज़ यहाँ पे परफेक्ट है। और ये देखिए अच्छी बात है कि यहाँ पे वेट नहीं करना पड़ेगा, फुल स्पीड में यहाँ पे लगते रहते हैं। ये निंजा चटनी आ गई। ये निंजा चटनी है, इसका टेस्ट जरूर बताना। अच्छा बिल्कुल जी। ये आपका गन पाउडर, ये आपका वड़ा। हाँ जी, मैंने कहा मैम वड़ा पाव के साथ चटनी आपके इधर लोग 2-3 बारी मांगते हैं। हाँ, ऐसा भी सीन है? ऐसा भी है, मांगते हैं, और हम शौक से देते भी है, खाओ खुश रहो। अच्छा। हाँ। और साथ में आ गई ये अनलिमिटेड मिर्चे। थैंक यू मैम। कितने रुपए का हो गया? आप खाओ ना। बहुत अच्छा है, हमारे हिमाचल से है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें भी यहाँ आके। आपको कैसे लग रहा है सर?
बहुत अच्छा टेस्ट है। आप ही लेके आवे ने, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो भाई यहाँ पे ना वड़ा पाव की पूरी लाइन लग चुकी है, मतलब भाई अगर आप जाते होंगे ना मेले शेले में, ये वड़ा पाव का मेला है। और यहाँ पे ना जो मैम जिस रिस्पेक्ट के साथ जिस प्राइस के अंदर खिला रही है ना, मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे भी आगे ट्राई करना चाहिए अगर आप इस वड़ा पाव गली में आते हैं। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं कैसा टेस्ट होने वाला है, है ना। चटनी वटनी बढ़ के और साइज भी काफी बिगेस्ट है भाई उनसे। तो चलिए, मैंने अभी उधर का ट्राई किया था, अभी इधर का ट्राई कर रहे हैं। तो मेस्ट में टेस्ट है, बहुत ज्यादा स्पाइसी स्पाइसी है, मजा आ जाएगा खा के आपको। और गार्लिक वाली जो चटनी है अमेजिंग। ठीक है, तो आप आ सकते हैं और यहाँ पे आके ना आपको ना भाई साहब इनके साथ ना एक रिस्पेक्ट के साथ आपको फूड मिलेगा। शायद वहाँ पे कुछ लोगों की शिकायत थी, मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे आके आपकी वाली शिकायत दूर हो सकती है। तो जब तक हम लेते हैं बड़ा पाव का मजा, आप ले इस वीडियो का मजा। फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुक्रिया, चपक है, लव यू, टेक केयर, गुड बाय।